हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाला। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि किस बोर्ड में कितने फॉर्म पड़े, क्या हमने जिस बोर्ड में डाला वो सेफ जोन है या नहीं, और सेफ स्कोर क्या हो सकता है CBT 1 के लिए, और कहाँ से करें, कैसे करें सटीक तैयारी, और क्या होनी चाहिए हमारी परीक्षा से पहले तैयारी की रणनीति, सारे पे चर्चा करेंगे। और आपसे एक बात का भी तो आप सोच रहे थे कि फॉर्म कहाँ पे कितने पढ़ना है, कहाँ से भरना है, सारी चीज़ें अब तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो ये तो नहीं होने वाला कि यहाँ पे फॉर्म भरना बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब तो सब आपका एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करूँगा आपके सामने कि इतने फॉर्म इस बोर्ड में भरेगा, इतना कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, एक सटीक रणनीति बनाएंगे, कितना आप कर सकते हैं CBT 1 के लिए, जो आपका CBT 1 है वो क्रैक हो जाए आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे कि आप अगर जो नए हैं और NTPC की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, या फिर किसी और वन डे एग्जाम की तैयारी करना है, तो सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर देना, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, लास्ट में एक छोटा सा कमेंट डाल देना, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला काम आज का जो हम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जल्दी देख लेते हैं, एक आंकड़ा मैं एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ और उसी के आसपास रहने वाला, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया है मैंने, जिससे आपको मतलब ये नंबर्स वाला गेम बहुत होता है, 1000-2000 इधर उधर रिफर कर, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की बात कर तो 1024 टोटल वैकेंसी है, 5.6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 5.6 लाख फॉर्म भरे गए यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद में। अजमेर की बात करते हैं तो 1773 वैकेंसी तो आपको पता है, हम फॉर्म की बात करते हैं कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, 9.2 लाख फॉर्म भरे गए हैं आरआरबी अजमेर में। इलाहाबाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इलाहाबाद में नहीं है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 19.5 लगभग 20 लाख कह सकते हैं फॉर्म भरे गए हैं, और यहाँ पे जो कंपटीशन है एक सीट के लिए 475 बच्चे मुकाबला करेंगे, ठीक है। आरआरबी बंगलौर में 9.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आते हैं भोपाल की बात करते हैं तो हमें 5.9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और भुवनेश्वर की बात करें 2.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद बिलासपुर की बात करें तो 1207 वैकेंसी पे 4.1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला आपको। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो 12.7 लाख फॉर्म भरे गए, यहाँ पर कंपटीशन 512 है, एक सीट के लिए 512 बच्चे, इलाहाबाद से भी ज़्यादा, ठीक है। चेन्नई की बात करें तो 10.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और गोरखपुर की बात करें तो 4.1 लाख फॉर्म भरे गए हैं 1298 वैकेंसीज के लिए। गुवाहाटी की बात करें तो 2.4 लाख फॉर्म भरे गए हैं 851 वैकेंसीज के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 2 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ पे 226 है पर सीट कैंडिडेट, ठीक है। आरआरबी कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 8.8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद मालदा की बात करेंगे तो 2.6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आरआरबी मुंबई देखेंगे तो 12.7 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और आरआरबी मुजफ्फरपुर देखेंगे तो यहाँ पे 85,329 फॉर्म भरे गए हैं, सबसे कम फॉर्म यहीं पे पड़े हैं, ठीक है। वैकेंसीज भी सबसे कम है, 329 वैकेंसी है टोटल। आरआरबी पटना की बात करेंगे तो 1039 यहाँ पे फॉर्म भरे गए, सॉरी 3.9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। रांची की बात करेंगे तो 1324 वैकेंसी में 5.1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो 8.4 लाख फॉर्म भरे गए हैं 443 वैकेंसीज पे। और बात करें हम त्रिवेंद्रम की तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 3 लाख, ठीक है, 3 लाख समथिंग फॉर्म भरे हैं त्रिवेंद्रम में। अब आते हैं देखते हैं हम कहाँ पे सबसे कम यहाँ पे कंपटीशन, कौन सा सेफ जोन, सेफ जोन सबसे टफेस्ट जोन की बात करें आपका, ध्यान रखिएगा सबसे टफेस्ट जोन जो आने वाला है आपका, नंबर एक पे आपका रहने वाला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हो गया आपका, इलाहाबाद हो गया, ये सारे आपके टफेस्ट जोन रहने वाले हैं, ठीक है। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा जो रहने वाला है वो चंडीगढ़ है। उसके बाद देखेंगे हम आगे चलेंगे और देखेंगे हम जो हमारा सबसे अच्छा है, जहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भरे, जहाँ पे आपको खुश होना चाहिए। अगर जो आपने मुजफ्फरपुर से फॉर्म भरा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। सिलीगुड़ी सबसे अच्छा है, 191 यहाँ पे है पर सीट कैंडिडेट फॉर्म भरने हैं, 191 सबसे कम है आपका। त्रिवेंद्रम भी देखेंगे, त्रिवेंद्रम में 309 लोग भरे हैं पर कैंडिडेट। मुजफ्फरपुर भी सेफ है, 260 है पर कैंडिडेट। उसके बाद हम देखेंगे आगे 300 पर कैंडिडेट है यहाँ पे आपका कोलकाता में। जम्मू कश्मीर में 226, जम्मू कश्मीर भी अच्छा बोर्ड है, अगर जो आपने भरा है यहाँ से फॉर्म, आप भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे जोन में फॉर्म भरा आपने। गुवाहाटी 291 पर सीट है,
और अब देख सकते हैं आप आंकड़ा लगा लीजिएगा इस हिसाब से कहाँ पे कितने सीट आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज में इसका भाग दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग कोलकाता भर सॉरी जो लोग आपका इलाहाबाद भरे हैं या फिर चंडीगढ़ भरे हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं आगे, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। अभी तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पर कैंडिडेट, कितने यहाँ पे मुकाबला रहने वाला है। आगे चलेंगे हम, आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब आते हैं, हम देख लेते हैं CBT 1 के लिए। आपको पता होना चाहिए CBT 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस से, जहाँ से 40 प्रश्न आने हैं, मैथ के पोर्शन से 30 प्रश्न आने हैं, और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले पोर्शन से 30 प्रश्न आने हैं। अब देखिए इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से आप पढ़ाई करके आसानी से ये जो आपका कट ऑफ का है 80+ कर सकते हैं, ठीक है, और आराम से आप 100% गारंटी के साथ CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तरीका क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस से, जहाँ से हमारे जो नंबर हैं सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन समथिंग जनरल अवेयरनेस से पूछे जाने हैं। इसमें हम देखेंगे तो हमारा 3 भागों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, दूसरा हमारा साइंस, ये दोनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन 100% कन्फर्म आने ही आने हैं, जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो गया, और अभी जो चुनाव हो रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, अभी भारत ने कौन कौन से सेटेलाइट लॉन्च किए, सारी चीज़ों को आप डेली का डेली पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 करंट अफेयर आए, 8 करंट अफेयर्स कर लिया यहाँ से, और उसके बाद जो आता है साइंस का जो क्राइटेरिया रहेगा 12 से 15 क्वेश्चन का, और इसमें तीनों हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं, तो साइंस भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये दोनों तो लिमिट है, आपको डेली का डेली करंट अफेयर्स आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और करंट अफेयर्स की अच्छी सी बुक लाई ईयर वाली, उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मान लीजिए 15 क्वेश्चन साइंस है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, तो 12 8 20 हो गया करंट अफेयर्स साइंस से। आपके आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको आप जो पहले पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, लूसेंट उठाइए, उसी को पढ़ते रहिए, कब संडे में या कभी खाली हो तब आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए इसको, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। या कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए लूसेंट वाली बुक उठा के रट रहे होंगे, तो वो बहुत आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वही होता है ना कि एग्ज़ाम देने के बाद आप आते हैं, मैंने लूसेंट पढ़ डाला, मुझे इतने कम नंबर मिले, क्वेश्चन आया ही नहीं, तो क्वेश्चन आता कहाँ से, तो ये तो देखो, ये तो जानना जरूरी है। तो 8 यहाँ से करंट अफेयर्स, 12 से मान लीजिए यहाँ से आपने 20 क्वेश्चन आए, मान लीजिए 20 के 15 क्वेश्चन मान लीजिए आए यहाँ से इस वाले पोर्शन से हिस्ट्री ज्योग्राफी, 15 में आपने सिर्फ 5 ही किया है, तो 12 8 20+25 नंबर आपके हो जाते हैं यहाँ पोर्शन से, कितने हो जाते हैं 25 नंबर आपके, 25 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते हैं 40 में, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ में देखते हैं कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिससे आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो आपका मैथ वीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर मैथ वीक है, मैथ में क्या करूँ, चलो देखते हैं मैथ क्या करूँ। सारे जो भी मैं बता रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट सब मैं कराऊंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैथ में बात करें, सबसे पहले देखेंगे जहाँ से ज़्यादा नंबर आने हैं, स्क्वायर, क्यूब, बोडोमॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक है। इस 3 टॉपिक में अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा लंबा नहीं है, 4 से 5 दिन 6 दिन जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ लो। 5 क्वेश्चन 100% सिंप्लीफिकेशन बोडोमॉस से आने हैं, लिख के रख लो। 2 क्वेश्चन LCM SCF से आने हैं, लिख के रख लो, ठीक है। SICI से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, एक भी हो सकता है लेकिन 2 आने ही आने हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, एज से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मिला के 5 क्वेश्चन, अगर जो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा है, एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है, तो आप इसको इग्नोर कर दें, इसको सीखने की कोशिश ना करें। हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री अगर जो आपको आता है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं पढ़ी है, अलजेब्रा एकदम नहीं पढ़ी है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। अब आता है पाई चार्ट, अगर जो आके तो आपको पता है पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन नहीं आता, 3 क्वेश्चन आते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और आपका हो गया ट्रेन हो गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन पर कंफर्म है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखा है, वर्क एंड टाइम से 1 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, 1 क्वेश्चन और वर्क एंड टाइम से ही आ जाता है, जो वर्क एंड टाइम प्रकार का होता है, जैसे पानी पाइप एंड क्रिश्चियन, वहाँ का 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अगर जो यहाँ से देखें, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 9 5 14 और हो गया आपका वर्क एंड टाइम का 16, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का आसानी से हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतना पढ़ने से ही, ज़्यादा चैप्टर नहीं बताया, कम से कम 7 से 8 चैप्टर से आपके 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने इतना पढ़ के कर लिया,
दो तीन क्वेश्चन और आपने दम लगा दिया, तो आप पहुंच गए, मान लीजिए आप पहुंच गए 22 पे, ठीक है, आपने 22 क्वेश्चन इसमें किया, 25 क्वेश्चन इसमें किया, कितना हो गया जीएस में 25 किया 22 इसमें किया, 7 हो गया, 4 हो गया, 47 क्वेश्चन आप कर चुके हैं 100 में। अब आइए रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में बता दूँ, रीजनिंग वैसा होता नहीं है कि मान लीजिए आपका रीजनिंग का पेपर रेलवे का उठा के किसी ऐसे बच्चे को दे दिया जाए जो आपका 12th पास करके आया, आसानी से आपके 30 रीजनिंग के क्वेश्चन में वो 15-20 कर जाएगा, कितने 15-20 कर जाएगा आराम से, आप तो तैयारी किए हो, ठीक है। कहाँ पे आपको ध्यान देना, एनोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, क्लॉक है, कैलेंडर से क्लॉक आएगा तो कैलेंडर नहीं आएगा, कैलेंडर आएगा तो क्लॉक नहीं आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, कैलेंडर क्लॉक में कन्फ्यूजन है तो छोड़ दो मत पढ़ो, ठीक है। सिलॉगिज से 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल जो सीरीज आती है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जंबलिंग से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपको कठिन लगता है उनको करो, और रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है प्रैक्टिस। क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करो, आपको जो ये वाली बुक आई है रुक्मिणी पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसको लेके सॉल्व करो NTPC का। अगर जो आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रहा हूँ, लगभग 4 सेट मैंने डाल दिया है, 4 सेट मैंने डाल दिया, वहाँ से 4 सेट आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। 4 सेट मैंने स्कैन किया, उसको बनाया, उसको डाल दिया, आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। रुक्मिणी पब्लिकेशन का NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तरीका अपनाना है, तो इस हिसाब से अगर जो देखें रीजनिंग में, आप रीजनिंग में भी कम से कम 25 तो करना ही होगा 100%। यहाँ पे रीजनिंग में आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना है, कुछ भी करके 25 क्वेश्चन यहाँ करना। अब देखिए आइए जोड़ लेते हैं कितना होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर जो जोड़े सबको, तो हमने 25 किया था 40 में, किस में 40 में किया था 25 GS में, यहाँ पे 22 किया था 30 में, 25 करना हमको रीजनिंग में। अब जोड़ेंगे 5 + 10 = 12 और 2 × 2 = 4 = 6 = 1 = 7 72 आ रहा, कितना आ रहा, 72 आ रहा आपका स्कोर। मान लीजिए 2 खत्म हो गया, 2 गलत हो गया, तो यहाँ पे 70 तो आप करके आओगे, 70 करते हो तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है रेलवे में, नॉर्मलाइजेशन होता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर जाएगा 80+, कितना जाएगा 80+ जाएगा, और 80+ जैसे स्कोर गया आप आसानी से क्या कर जाओगे, CBT 1 का एग्जाम क्रैक कर जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये जो होता है राम का धनुष होता है, राम बाण कह सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, आप CBT 1 आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो ये टोटल तरीका था जिसको आजमा के आप, आसानी से CBT 1 का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और देखिए तैयारी कहाँ से करनी है इसके लिए भी बात कर लेते हैं। हमारे चैनल यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में ये जो मैंने बताया टॉपिक रीजनिंग को छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स के जो मैंने टॉपिक बताया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इसको कराऊंगा, परसेंटेज कराने वाले CIC, SEM, SF स्क्वायर बोर्डों में ये सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ जो जहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन मैं अलग करा दूंगा, पाइप टंकी का अलग करा दूंगा, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पढ़ाई की चीज़ें देखिए, अब करंट अफेयर्स वाईफाई स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, वाईफाई स्टडी में डेली सुबह 8 बजे का जो सेशन चलता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी चलती हैं वहाँ पे, करंट अफेयर्स आपका वहाँ से अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस आप करंट अफेयर्स बुक से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स सबसे अच्छा जो पढ़ना हो, अगर जो मैथमेटिक्स पूरा क्लास लेना है आपको, ऑनलाइन लेना है आपको दिक्कत है, तो आप बुक ले सकते हैं, साथ में आप देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप वाईफाई स्टडी पे एक सर है साहिल सर, आपको मैथ की क्लासेस लेनी हो तो साहिल सर का NTPC का क्लास चलता है उसको ज्वाइन करो, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया, तो उनको ज्वाइन करो, मैथ वहाँ से पढ़ सकते हो। रीजनिंग का मैं क्लास के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, आप प्रैक्टिस करो, जो बुक मैंने बताया, अगर जो आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से PDF बाय कर लो, ठीक है। और जो लोग को नोट्स चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसमें भी जुड़ जाओ, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो और भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको पूछना होगा NTPC एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो चीज़ें आपको जल्दी ही बताई जाएंगी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।